हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू लच्छा नमकीन। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू लच्छा नमकीन की रेसिपी को। तो मैंने यहाँ 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 बड़ी कटोरी मूँगफली के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। तो मैंने सारे आलू को छील लिया है। आलू के लच्छे बनाने के लिए हमें एक बड़े छेद वाला कद्दूकस लेंगे और सारे आलू के लच्छे बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे आलू के लच्छे बना लिए हैं, ये देखिए। अब हम लच्छों में से सारा पानी निकाल लेंगे और लच्छों को प्लेट में सूखने के लिए रख देंगे। तो ये हमारे लच्छे अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने गैस ऑन करके तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लच्छों को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है और गोल्डन ब्राउन होने तक हम लच्छों को फ्राई करेंगे। तो ये हमारे लच्छे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। और ऐसे ही बाकी बचे हुए लच्छों को भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने सारे लच्छे फ्राई कर लिए हैं और उसी ऑयल में मैंने मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए हैं। अब हम मूंगफली के दाने को बॉइल में डाल देंगे और अब ड्राई मसाले डालेंगे। हम ये रेसिपी व्रत के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे आलू लच्छा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें और इसे आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें जिससे कि मेरी बाकी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।